आप सभी का स्वागत है इंडिया टॉक न्यूज चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, जिला पंचायत चुनाव और प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं और हर जगह कहीं 15 तारीख में, कहीं 19 तारीख में इस तरीके से डे टू डे पोलिंग होना है। और आज हम मौजूद हैं ग्राम दुजाना के अंदर और बात करेंगे देवेंद्र भाटी जी से, जो वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी फकीर सिंह नागर, और हमारे उनके बीच में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष समाजवादी के और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फकीर सिंह नागर भी उनके बीच में मौजूद हैं। जैसा कि जी हम बात करेंगे देवेंद्र भाटी जी से, पहले इनसे ही कराओ नागर साहब से। ना कोई ना दो शब्द आप भी कहते हैं। जैसा कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गाँव में जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का रुझान है पब्लिक को देखते हुए? पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ना कोई और राष्ट्रीय लोकदल दोनों मिलके हमारा संयुक्त प्रत्याशी हैं गीता भाई, जिनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। हम जो हमारा गठबंधन है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। गीता भाटी जी के पति हैं ये देवेंद्र भाटी जी, हमारे साथ हैं और अब हम विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। कि जैसे समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल विकास का काम किया है, उसी तरह से हमारे जैसे कि विपक्ष पार्टी भी दावा कर रही है और पूर्ण बहुमत से दावा कर रही है कि हमारी सीट निकलेगी, इस तरीके से जी आप उनके बारे में क्या राय है आपकी? सीट तो जब निकलेगी जब उन्होंने तो विकास किया हो। अभी 6 महीने तक अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पड़ा, पूरे देश का किसान परेशान है, वो बीजेपी को वोट देने को भी करती है। पूरे देश में किसान और मजदूर में हंगामा है, इसलिए पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रही है कि एक साल 6 महीने बाद ये सरकार चली जाएगी और दोबारा से जो विकास माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है उसी तरह से विकास करना शुरू होगा। जैसा कि अगर वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत की सीट देवेंद्र नगर जी आपकी निकल जाती है, तो आप लोगों के लिए क्या क्या कार्य कराएंगे, क्या क्या कार्य करेंगे? जी पहले तो मैं अपनी धर्मपत्नी गीता भाटी जो है वो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 से लड़ रही हैं, और विकास की बात है तो मैं युवाओं को रोजगार और आप जान रहे बिजली, शिक्षा और स्कूल सभी पे 2022 में चर्चित करेंगे, क्योंकि उसमें देखो अभी तो विपक्ष में चल रहे हैं, अभी सरकार नहीं है, और जैसे जैसे बड़ी जिला पंचायत जीतेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी का सरकार है तो उसमें जीतेंगे। ठीक है, आप क्या दावा कर सकते हैं इस बात को लेकर, जैसे कि आप गांव में कितने गांव में अब तक चले गए हैं, लोगों का रुझान आपने देखा होगा, क्या कह रही है पब्लिक, कुछ आपको भी लग रहा होगा अपनी सीट को देखते हुए? पब्लिक का रुख बदल चुका है, पता है जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ को पब्लिक का एक रुतबा है, क्योंकि विपक्ष में जो भी भाजपा के लोग हैं वो पब्लिक को लगातार प्रेशर में ला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक समाजवादी पार्टी को चाह रही है। देखिए जी, जैसे कि हमने आप सभी ने अभी देखा, हम बात कर रहे थे देवेंद्र भाटी जी और फकीर सिंह नागर जी से, जो समाजवादी पार्टी से हैं, और थैंक यू बहुत। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।